जाओ और तुम भी वहां से जाओ। चलो निकलो यहां से। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। ये तो मैं सब खा जाऊंगा। बहुत टेस्टी है ये तो। ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। क्या हुआ शेरी, आपकी तबीयत तो ठीक है? सिया भाई भूखा हूँ। गोलू हमारा लंच बॉक्स छीन कर खा जाता है। ये तो बहुत बुरी बात है, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। आप लोग प्रिंसिपल से कंप्लेन क्यों नहीं करते? शेरी डरता है, गोलू धमकी भी तो देता है। मेरे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत? गोलू हमें मारता भी है मुन्ना। आप दोनों अपना लंच बॉक्स मुझे दे दीजिए, तमाशा देखने की तैयारी कीजिए। ये सबक गोलू को जिंदगी भर याद रहेगा। अब मजा आएगा। इतने सारे लंच बॉक्स। क्लासरूम सोने के लिए नहीं होती है। मैं सो नहीं रहा मिस। आप फिर याद करके नहीं आए? याद किया था मिस, मगर लिख नहीं सकता। लिख क्यों नहीं सकते? स्टैंड अप। Keep quiet. मुन्ना किंग प्लीज, छोटे बच्चे के लिए इतनी सजा काफी है, अब खोल दो यार। जिया भाई, आप मुन्ना किंग को बोलो ना। ऐसा करो, जल्दी से मुर्गा बन जाओ। यार मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मुर्गा थोड़ा छोटा होता है। बैल बना दो, गधा बना दो। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। लॉक खोलने का कोड बता रहा हूँ। नहीं खुला, अब क्या करूँ? चलो अब शाबाश मुर्गे की तरह बांग दो। नई कैंडी कंपनी की मशहूरी के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। बिल्कुल फ्री है? जी जी बिल्कुल मुफ्त है। ये लीजिए, आप भी खाएं। हाँ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? मुन्ना किंग हमें बचाओ। हम बलून बनते जा रहे हैं। मुन्ना किंग हमें बचाओ। मुन्ना किंग हमें बचाओ। बाय बाय, अब फोन से मुलाकात होगी। मुन्ना किंग हमें बचाओ। मुन्ना किंग हमें बचाओ। तुम फिक्र मत करो। इसको पकड़ लो, आप लोग आराम से नीचे आ जाओगे। आप दोनों बलून्स कैसे बन गए थे? गोलू की दी हुई टॉफियां खाई थी। याद रखना, कभी किसी
अजनबी से कुछ लेकर मत खाना। अब मजा आया ना? गोलू टाटा बाय बाय। ये बनी धमाकेदार चीज। अब मैं बनूंगा किंग। मुन्ना किंग और उसके दोस्तों से चुन चुन कर बदला लूंगा। हाँ? शेरी माय फ्रेंड। छोड़े छोड़े प्लीज, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज छोड़े मुझे, जाने दे। गोलू भाई छोड़े मुझे, बचाओ बचाओ मुन्ना किंग। तुम और तुम्हारे दोस्तों को तो अब बताऊंगा मैं। बचाओ बचाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, ये साउंड प्रूफ रूम है। बचाओ 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 मुन्ना किंग, बचाओ बचाओ मुझे। शेरी शेरी, जिया भाई, शेरी को आपने देखा है? वो नहीं मिल रहा। ये क्या बात हुई? शेरी वॉशरूम गया था, वापस ही नहीं आया, गायब हो गया। रोमा कौन गायब हो गया? शेरी मुन्ना किंग, पता नहीं शेरी किधर चला गया। एक मिनट, मैं अभी ट्रेस करता हूँ। अगर शेरी के स्मार्ट वॉच ऑन हुई तो शेरी ट्रेस हो जाएगा। वॉशरूम तो लेफ्ट में है, इधर राइट में शेरी क्या कर रहा है? तुम परेशान मत हो रोमा, मेरे साथ आओ, मैं ट्रेस करता हूँ शेरी को। वो देखो, वाह शेरी, मैं डरूं। थैंक यू मुन्ना किंग। शेरी भाई, आपको यहाँ किसने कैद किया था? ये गोलू की शरारत है सिया भाई। गोलू ऐसा क्यों करेगा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया सिया भाई। शेरी, हम मुन्ना किंग के दोस्त हैं और ये बात गोलू को अच्छी नहीं लगती। अगर गोलू को मुन्ना किंग से कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर बातचीत भी की जा सकती है, बातचीत से मसला हल हो जाता है। आएगा तुमसे फाइट करने का मुन्ना किंग। फाइट बहुत बुरी बात होती है गोलू। क्यों, डर गए ना? जब तक आप खुद इंसान नहीं बनेंगे, कोई इंसान आपको इंसान नहीं बना सकता, समझे? मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे ठीक कर दो। थैंक यू। हो
आपने? मानते हैं ना कि आपका दोस्त और उसका शॉट दोनों ही बेमिसाल हैं। हाँ, लेकिन इतना ऊंचा शॉट मारने की क्या जरूरत थी? अब बॉल कैसे उठेगी? जरूरत थी रोमा डियर। हम यहाँ स्कूल के स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। इस बार स्कूल टीम में सिलेक्शन पक्की। क्या बात है मुन्ना भाई? मुन्ना भाई? मुन्ना भाई नहीं, मुन्ना किंग बोला कीजिए। थोड़ा स्टाइल में नाम होना चाहिए। हाँ? आप ठीक तो हैं? पता नहीं इनका क्या फायदा है, लोग इसे काटते क्यों नहीं हैं? ऐसा नहीं कहते गोलू, क्या आपको नहीं पता पौधे भी हमारी तरह जानदार होते हैं। एकदम ठीक कहा रोमा ने, ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं। आप ये खाइए, आपका बर्गर गिर गया है ना? अब हम क्या करेंगे? अब देखते जाइए, हम इसका कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। हल तो मैं निकालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये किसी काम के नहीं होते हैं। मैं एक एक दरख्त काट दूंगा। आज गोलू बहुत खुश लग रहे हैं। तो गोलू, आप बताएं दरख्तों के क्या क्या फायदे हैं? हाँ, मगर मुझे तो दरख्तों का कोई फायदा नजर नहीं आता। वो क्यों? मिस, कल पार्क में मुन्ना किंग, रोमो और शेरी खेल रहे थे, झाड़ियों में आकर उनकी फुटबॉल फंस गई थी। तो क्या आप सब भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? नो मिस, इससे हमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। जैसे फ्रेश मैंगो, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। इन लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं और इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में एक दरख्त जरूर लगाएं। चलो शेरी रोमा। ये पार्क को क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा, कल तो सब ठीक था। ये काम तो गोलू का है। इसके सिवा ये काम कर भी कौन सकता है? दोस्तों, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मगर अब हम क्या कर सकते हैं? याद नहीं मिस मोना ने क्या कहा था? हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में एक दरख्त जरूर लगाएं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मदद करूं? मैं भी आपके साथ खेलूं? हम खेल नहीं रहे गोलू, काम कर रहे हैं। तो मैं भी आपके काम में आपकी मदद करूं? जैसे आपने पहले की थी। हाँ, क्या मतलब? हमें सब पता है पार्क का यह हाल किसने किया है, मगर क्यों किया आपने ऐसा? आपको याद नहीं, मिस मोना ने हमें दरख्तों से हासिल होने वाले फायदों के बारे में बताया था। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था ताकि किसी को भी खेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जहाँ भी जाते हैं सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लिहाजा आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहते शेरी, गोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये इन्होंने जानकर नहीं किया। अगर मुझे सचमुच अंदाजा होता कि पेड़ पौधे हमारे लिए इतने जरूरी हैं, तो यकीन माने मैं ऐसा कभी नहीं करता। हम तुम्हें माफ कर देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। और वो क्या? आज तुम्हें भी हमारे साथ एक पौधा लगाना होगा। क्या आप लोग अपने साथ बीज लेकर आए हैं? जी जी, हम लाए हैं बीज। यस। ये क्या है? इसी तरह कामयाब होते रहो, मेरे पास होने का गिफ्ट।
वाह, ये तो बहुत अच्छी है। मैं रोज रोज एक पैकेट मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। और ये हो गया, अब टाइम है मैजिक का। नाश्ता तैयार है मुन्ना किंग? आ रहा हूँ मम्मा। ये लाल बटन किस चीज का है? अगर कुछ गलत भी हुआ तो मुन्ना किंग तो है ना? चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले ड्राइव लेते हैं, फिर सोचेंगे बड़ा होने का। ये चोरों की तरह अंदर क्यों जा रहा है? हाजमेक्स इमली गायब था। गायब था? मैं बताता हूँ। पहले ये बताइए शेरी, आप हैं कहाँ? यहाँ, यहाँ हूँ मैं। आप किधर हैं? इधर, इधर हूँ मैं। आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ थोड़ा सा नीचे देखें। ये क्या हुआ आपको? मैं वहीं मौजूद था, मगर छोटे होने की वजह से कुछ कर नहीं पाया। शहरी, गलत तो आपने भी किया है। किसी के कमरे में बिना इजाजत आना और उसकी चीजों को छेड़छाड़ करना बहुत गलत बात है। आज तो बहुत खा लिया, अब कुछ हजमे के लिए भी हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आता, बोलू को चोरी करने की क्या जरूरत थी? देखे मैं आप सब के लिए क्या लाया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो चोरी तुमने की थी? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हम तो इस कार की बात कर रहे हैं गोलू। क्या? ये मेरी कार है। तुमने ये चोरी की है। हाँ? और ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। अच्छा, अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये बात है। कितने बड़े कैसे हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तो क्यों ना डॉगी भी आपके साथ खेल ले? कोई एक वक्त में दो जगह हो सकता है, नहीं ना? पर अब होंगे एक से भले दो। हम्म।
हमेशा आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी से डर गए? अभी तो शुरुआत है। अच्छा क्या करोगे, जरा हमें भी तो बताओ। बताऊं? ठीक तो है ना? ये देखिए मिस, गोलू ने शेरी को कितनी जोर से मारा है। ये कैसे हो सकता है? ये क्लास में थे, आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शेरी, रूमा। आप यहाँ? गोलू, मेरा लंच, प्लीज रुक जाओ, मत खाओ। रस्ते से हट जाओ मिस्टर चंपू। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। अभी तो गोलू रोमा शेरी का लंच खाकर क्लास में गया है, तो ये कौन है? गोलू को बेनकाब करना पड़ेगा। रहे हो? मैं नहीं, तो मैं तो सबके साथ क्लास में था। क्या हुआ? अच्छा तो ये बात है। अब आएगा मजा। गोलू और मैं पार्क के लिए निकल गए हैं। ग्रेट, हम भी आ रहे हैं। और यहाँ तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या मजाक है? वही तो, कल स्कूल में सबको पता लग जाएगा कि गोलू एक नहीं दो है। कल तो बहुत दूर है। गोलू भागो, पकड़ो इसे, पकड़ो गोलू को, पकड़ो मुन्ना के गोलू को, पकड़ो। दोनों एकदम से गायब हो गए, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बात है। कहा भी था मुझसे कनेक्टेड रहना। शायद
समझ नहीं आ रहा इस बीमारी का नाम क्या है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ये क्या है? अरे ये तो एक किस्म का मैजिक है जो इस पत्थर की मदद से किया जाता है। पहनाने वाला जवान और पहनने वाला बूढ़ा हो जाता है। सेम पत्थर की रिंग रोमा के हाथ में है, अगर इसे उतार दे तो। नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर कोई रोमा पे मैजिक क्यों करेगा? इन सवालों के जवाब तो हमें वहीं जाकर मिलेंगे। राज हमें ना पता चला तो? पता चल जाएगा। वो मैं असाइनमेंट उठाने आया था तब सुना। बगैर पूछे? ये तो बुरी बात है ना। लेकिन लिया तो नहीं ना? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। लड़ो मत, रोमा उग जाएगी। तुम हमारी हेल्प करो वरना हम तुम्हें यही छोड़ देंगे। नहीं, तुम रोमा के पास रुको गोलू, अगर देर हो जाए तो स्मार्ट वॉच से लोकेशन ट्रेस कर लेना। मेरा मैजिक थोड़ा सा वीक है। लगता है एक और बच्चे को ऊंट बनाना होगा, फिर आएगी मैजिक में पावर। बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चल सकता। ओके, थोड़ा रुक जाते हैं। बचाओ! वेलकम टू माय होम। क्या ये मैजिकल होम है? ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। मैजिक सच में होता। तो फिर दिखाओ। मर गए, अब कहाँ से मदद करूँ? तो तुम देखना चाहते हो मैजिक? नीला पीला डोला, उड़ता उड़न खटोला, अंदर बंदर शंदर, आलू और चुकंदर, गीदर उल्लू लोमड़ी शेर, सबको कर दो पल में ढेर। गांव शहर हो या हो जंगल, सब पर फूकू जादू मंत्र। जिस उंगली में ये रिंग जाए उसकी उम्र मुझे मिल जाए। सिग्नल तो यहीं से आ रहे थे। कैसे किया? दोबारा करके दिखाओ। दोबारा देखोगे? दिखाओ। मैं नहीं मानता, जादू का कोई तोड़ भी होता होगा। रिंग को तोड़ो जादू कदम। काला कौवा बन जा कुत्ता। रोमा, यहाँ पत्थर में बैठ के इंतजार करते हैं। बचाओ! नीला पीला डाला, उड़ता उड़न खटाला, अंदर बंदर शंदर, आलू और चुकंदर, किधर लोमड़ी। मैं विच को रोकता हूँ, तुम्हें पता है ना क्या करना है? Ah!
वापस आऊंगी मुन्ना किंग, अगर तुम लोगों से बचा लूंगी। आ गया। पकड़ो, भाग तो रहा हूँ। मिली? नहीं। लगता है मुझसे डर कर भाग गई। बच गए। आखिर कब तक बचेगी? सचमुच उसके 6 हाथ थे? हाँ भाई, और फिर विच ने कहा, प्लीज विच की बातें ना करें, मुझे डर लगता है। गोलू, सबको जूस दीजिए। मैंने स्पेशली घर पर आप सबके लिए बनाया है। अब मजा आएगा, सबको नींद आ जाएगी। अभी नहीं, सबके साथ गोलू। पर मुझे तो अभी भूख लगी है, मैं सबको जूस देता हूँ। वैसे भी कल वाली विच आ गई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आने दो, इस बार आएगी तो जाल में पकड़ी जाएगी। और वैसे भी हमने आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं अभी आया, इमरजेंसी है दोस्त। मुझे रोकेंगे? कब से इस हैट पर मेरी नजर थी, और वो टॉर्च पर भी। कितने अफसोस की बात है कि आज सबको खाली पेट ही सोना पड़ेगा सिवाय मेरे। ये मुन्ना किंग का हिस्सा है, ये मेरा है। विच आ गई, विच आ गई। अरे दो इसे, इस बार बच के नहीं जाएगी, बल्कि खूब मार भी खाएगी। जल्दी में यही मिला था। अब आया ना खून पहाड़ के नीचे। मुन्ना किंग छोड़ो। वो देखो, मुन्ना किंग छोड़ो। पीछे। क्या पीछे? छोड़ दिया। मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा इसको। पकड़ो 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 पकड़ो। पकड़ लिया। ये मैं हूँ शेरी। फिर विच कहाँ है? शेरी, विच आई थी और सारा खाना लेके चली गई। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हमने झाड़ियों से सर्कल बना दिया है और उसके पीछे भी झाड़ियाँ रखी है। विच आएगी और पकड़ी जाएगी। चेरी आप यहाँ और रोमा आप उस तरफ नजर रखेंगी। गोलू आप कल कहाँ थे? कौन? मैं? वो? मैं तो कल। गोलू की किस्मत अच्छी है, जब भी विच आती है गोलू वॉशरूम में होता है। बच्चों आप लोग यहीं बैठे, मैं सोने जा रही हूँ।
वहाँ चूहा होगा, मैं देख कर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा गोलू। मुझे तो डर लगता है। अब मेरे होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे डर लग रहा है, आप लोग यहाँ रहे, मैं चला। डरपोक। मुझे डरपोक कहते हैं। अब बताऊंगा कि डर होता क्या है। वो नहीं बेच, जाने ना पाई, पकड़ लिया। अगर तुम सामने आ जाओ और हमें चोरी की वजह बता दो तो हम कुछ नहीं करेंगे। अभी पता चल जाएगा कि ये कौन है। तुम हमें क्यों तंग कर रही हो मिस आप? मिस आप, मुझे तो मच्छर काट रहे थे इसलिए चादर ली थी। गोलू आपको कितनी बार समझाया है कि चोरी करना बुरी बात है। तो ये आपकी शरारत थी। कैसा रहेगा अगर आप तो हमेशा हमेशा के लिए मुर्गा बना दे। मुन्ना किंग, अब नहीं करूँगा। मुन्ना किंग, मुन्ना किंग छोड़ो मुझे, अब नहीं करूँगा। चले शेरी, आज रात हम सुकून से सोएंगे। थक गया। ठीक है, कुछ देर यही रुक जाते हैं। देखो मुझे क्या मिला। कैसा अजीब सा मिरर है। मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। इसे कैसे पता, मुझे आग से डर लगता है। और मुझे ऊंचाई से। हाँ? ये क्या है, इससे सब कुछ कितना साफ साफ दिखता है। हाँ? हटो, ये मुझे दो। बुरी बात गोलू, किसी के हाथ से कुछ नहीं छीनते। माय गॉड, तो सा... क्या? अरे सामने से तो हटो। रोमा तुम्हें ये लैंग्वेज आती है ना, तुम उर्दू में पढ़ो। जादुई मिरर, उठो और हमारा इम्तिहान लो। क्या? मिरर मिरर जादुई मिरर, उठो जागो नींद से, हम आए हैं बड़ी उम्मीद से, अपने डर को आज हराएंगे, जीतेंगे तभी जा पाएंगे। मतलब यहाँ लिखा है, बहुत पुराना जिक्र है, कदीम दौर में इस आईने की मदद से लोग अपने अंदर के डर को मिटाते थे। फिर इस आईने के लिए लोगों में लड़ाई हुई तो वहाँ के सरदार ने इसे यहाँ लाकर छुपा दिया। इसे साथ ले चले। नहीं गोलू, ये खतरनाक हो सकता है। गोलू इसे यहीं रखो। खतरे में तो मजा है। ये आवाज कहाँ से आई? लो, एक तो मुझे जगाया, फिर पूछते हो कि मैं कौन हूँ। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं तो? मैं हूँ तुम्हारी आजादी, तुम्हारे डर से। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम चलते हैं। बाय। डरपोक बच्चे। हम किसी से नहीं डरते। ये हुई ना बात। पर हम जल्दी में हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? फिर क्यों कहा, अपने डर को आज हराएंगे, जीतेंगे तभी जा पाएंगे। मतलब? मतलब साफ है,
जीतोगे तभी यहाँ से जा पाओगे। हमें करना क्या होगा? अपने डर से लड़ना है, बस एक छोटा सा टास्क। टास्क मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास आओ, मजा आएगा। मैं जा रहा हूँ अंदर। गोलू नहीं, ये दोनों कहाँ गए? चलो इन्हें वापस लेकर आए। शेरी, मन्ना गैंग, मुझे यहाँ से निकालो, मैं डूब जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। बचाओ मुझे, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बचाओ, बचाओ मुझे, मन्ना गैंग, रोमा, बचाओ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। शुक्र है मैं घोड़े पर हूँ, हाथी पर होता तो वो मुझे कुचल देता। मैं कहाँ हूँ? लगता है तुम लोगों को टास में मजा नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम एक और ट्विस्ट डाल दें। तुम सबको ढूंढनी है एक एक चाबी, और वो भी एक मिनट में। हूँ ये क्यों मेरे घोड़े? अब तो स्कूल भी इसी घोड़े पे जाया करूंगा। घोड़े नहीं, हाथी हो। बचाओ 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 मुझे, बचाओ, बचाओ! ये क्या हो रहा है? नो चिटिंग, तुम्हें अपने डर से खुद ही लड़ना होगा और खुद ही जीतना होगा। मैं बच गया, मैं बच गया। बिन ताले चाबी इस काम की। अगर एक मिनट में इस चाबी से ताला खोल लिया तो ठीक है, वरना यहीं भटकते रहोगे जिंदगी भर। इसने तो मुझे कुछ भी नहीं किया, ये इतना खतरनाक भी नहीं है, मैं चाबी निकाल सकता हूँ। अबे ये कौन है? ये टहनी तो टूट जाएगी, फिर मैं आग में गिर जाऊंगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा।
चाबी दे दे। मेरी चाबी लेके कहाँ जा रहा है? रुक ना, मेरा भाई नहीं है तू। नीचे उतारो, नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? कोई है? अपने डर को आज हराएंगे, जीतेंगे तभी जा पाएंगे। मैं अपने डर को हराऊंगा। Yes, I can do it. Yeah! मजा आ रहा है। Yeah! Yeah! Huh? जीतेंगे तभी जा पाएंगे। ये बंदर, रुक, चाबी दो मुझे। ए, रुको रुको, चाबी दो मुझे बंदर। ये तो केला है, तो चाबी कहाँ है? चाबी तो ये रही। यस, अरे ये क्या है? ओ यस, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये क्या है? मुझे दिख गया ताला। यस, अपने डर को हराना इतना भी मुश्किल नहीं था। अब जिंदगी में कभी आग से नहीं डरूंगा। ऊंचाई से सब छोटा छोटा दिखता है। समंदर अंदर से बेहद खूबसूरत है। और पता है, हाथी तो सिर्फ फल खाता है, इंसानों को नहीं। और तुम सब इसलिए जीते कि तुम्हारा दिल साफ था। कहा था ना, मैं किसी से नहीं डरता। ये क्या, ये क्या है? ये निशान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा और एहसास दिलाएगा कि डर से लड़कर ही डर को हराया जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक। वो किस लिए? अगले टास्क के लिए। अब जाओ, मुझे सोना है, जब तक कोई और आकर मुझे ना जगाए। और मुझे कोई टास्क वास नहीं करना। मैं हूँ छोटा, नाम है धोखा। जैसे ही मेरे पास खबर आई, तो उल्टे पाँव भागी दौड़ी चली आई। आज की मीटिंग बॉस ने किस खुशी में बुलाई। जल्दबाजी में अपना इंट्रो कराना तो मैं भूल ही गई। मेरा नाम है बुराई। बस थोड़ी देर और आपको पता चल जाएगा कि बॉस ने ये आज की मीटिंग क्यों बुलाई। खबर तो इसे भी होगी मगर बताएगी नहीं। चुड़ैल माफ करना बहन, अपने नाम और काम दोनों के हाथों मजबूर हूँ। वो क्या है ना, कभी भी किसी की बुराई किए बगैर नहीं रह पाती। मैं भी आ रहा हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बुराई की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है, और ये ताकत हमें वापस मिल सकती है। लड़ाई से, हिम्मत से, लड़ाई से। तो क्यों ना इन सब को आम किया जाए और खुलकर मजे से जिया जाए। इसके लिए मैं लाई हूँ एक बहुत ही खास मिशन, और वो है मिशन लड़ाई। तालिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन आइडिया है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसानों में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती है। लो जी, ये बताने के लिए बुलाया है।
मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया। ये तो हमारा रोज का काम है, इसमें नया क्या है। पूरे मोहल्ले में जाकर इसकी इतनी बुराई करूंगी कि याद रखूंगी। या बुलाकर मेरा सारा टाइम खराब कर दिया। हाँ नहीं तो हैशटैग बिच कही की, हैशटैग चुड़ैल, हैशटैग बूंदील गोरी लाल लगाम, और ये हो गया अपलोड। क्या आप कहीं जा रही हैं? मैं बहुत देर हो गई थी, हाथ में हाथ धरे बैठे, सोचा एक दो जगह बुराई फैला दूं। यही तो है हमारा मकसद, जिसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। तो क्या ख्याल है, इस शहर पे हमला करके बुराई को आम किया जाए? हु, हु, हा, हा, हा। जो सबसे ज्यादा बुराई फैलाएगा और लोगों को लड़वाएगा, मैं बनाऊंगी उसे अपना वजीर। जो जितनी बुराई फैलाएगा उसके उतने पॉइंट होंगे और हमें उतनी ही पावर मिलेगी। धीरे धीरे सब इंसान हमारे गुलाम होंगे और फिर हम करेंगे पर हुकूमत। मैं तुमसे बदला लेने आ रही हूँ मुन्ना किंग। तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो तो बचा लो। बुरी ताकतों ने दुनिया पर हमला बोल दिया है, इससे बचने के लिए हमें अच्छाई और सच्चाई की टीम बनानी होगी। मैं अभी सबको जमा करता हूँ। हमारी शहर को एक बार फिर हमारी जरूरत है। मतलब ये रोमा डियर कि बुरी ताकतें कमजोर हो गई थी, लेकिन इस तरह उन्हें बुराई से पावर भी मिल सकती है। समझ गया मैं, हमें बुराई को हराना है। इसको तो मैं अभी बताता हूँ, मुझे आते जाते तंग करता है। नहीं शहरी, वो लोग यही करना चाहते हैं। फिर हम क्या करें? हम सब्र करेंगे, बुराई का जवाब हम अच्छाई से देंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमें मारे तो हम बर्दाश्त करें, उस पर हाथ ना उठाएं? हाँ बिल्कुल, हमें अच्छाई से बुराई को हराना होगा। मेरे ख्याल से हमें स्कूल के दूसरे बच्चों को भी हमारी टीम का हिस्सा बनाना होगा। और गोलू, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद गोलू से बात करता हूँ, वो जरूर मान जाएगा। तुम हो गोलू, हमारी रानी ने पूरे स्कूल में सिर्फ तुम्हें ही चुना है। क्या सच में? अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें अपनी टीम में वजीर बना सकते हैं। गैर पढ़े क्लास में फर्स्ट आओगे और रोज रोज नहाना भी नहीं पड़ेगा। झूठ और धोखे से तुम्हारा हर काम हो जाएगा। बस घर पर आराम करो और हमारी रानी के साथ काम करो। नहीं गोलू, ये लोग बुरे हैं, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आए। चलता हूँ दोस्त, मैं तो सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था। फायदे की या फिर नुकसान की? मैं अपना फायदा नुकसान खुद देख सकता हूँ, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, मैं आपको गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। तो इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे? ये क्या मजाक है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखाओ। हिम्मत है तभी तो नहीं लड़ रहा, और आपको भी समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें इसे हराना है तो धोखे से काम लेना होगा। चलो अब लड़ाई छोड़ो, आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे ये हुई ना बात। ये मैंने कर दिखाया। ये आपने क्या किया? आवाज, रानी ने ठीक किया जो तुम्हारा इंतखाब किया। ओ, तो क्या अब मैं वजीर बन सकता हूँ? अगर यूं ही दिल लगा के तुम परेशान करोगे सबको तो आराम से बन सकते हो वजीर। ओ, मैं वजीर बनूंगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल वजीर बन सकते हो तुम। बेवकूफ कहेगा, धोखे के धोखे से बचा है कोई जो ये बच सकेगा? अब फैलेगी बुराई और आएगी तबाही, कौन है जो अब दुनिया को बचाएगा?
पीला पीला ढोला, उड़ता उड़न खटोलो, अंदर बंदर शंदर, हलो और चुकंदर, गीदड़ उल्लू लोमड़ी शेर, सबको कर दो पर में ढेर। गांव शहर हो या हो जंगल, सब पर भोगो जादू मंत्र। दुनिया में फितला फैलाओ, सबकी मैं मलका बन जाऊं। एक गुड न्यूज लाई हूँ। समझाया भी था, मेरे इजाजत के बगैर कोई मेरे रूम में दाखिल ना हो। अगर आप सुनना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। अब अगर आ ही गई हो तो सुना भी दो। आपका अधूरा काम हो गया। अगर समझ में नहीं आए ये बच्चा आपके किस काम आ सकता है, तो ये तुम्हारा काम है। मुन्ना किंग कहीं नजर नहीं आ रहा, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आखिर मुझे कोई बताएगा क्या यहाँ हो क्या रहा है? वही तो, मुझे बुराई फैलाने पे लगा के वो धोखा धोखे से एक बच्चे को ले आया और आप लोगों ने उसके पॉइंट्स भी ज्यादा कर दिए। यह तो सरासर गलत है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सब पे पोस्ट लगाऊंगी कि यह लोग फ्रॉड है, फ्रॉड है। क्योंकि आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। आप बताएंगी अभी तक आपने किया क्या है? कैसा बुराई की बुराई, कोई काम अपना हाथ में ले और पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। वेरी गुड। बुराई की नहीं है कोई नसीर, अब मैं बनूंगी विच की वजीर। तुमने वफादारी का सबूत दिया है। चलो अब लड़ाई छोड़ो, आराम से बैठकर बात करते हैं। और अब मुझे और बच्चे चाहिए। मैं आपको और बच्चे दूंगा, क्या फिर मुझे इनाम मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बस ऐसे बच्चे ला कर दो जो बड़ों का अदब करते हों, झूठ बुराई और धोखे से बचते हों। ऐसे बच्चे मुझे चाहिए हैं, क्योंकि मेरा नाम है धोखा। मैं दूंगा सबको धोखा, फिर देखो मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक इनाम भी दूंगा। धोखा साहब, ये बच्चा तो आप ही को धोखा दे रहा है। हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? ये अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, खुद ही पूछ ले इससे। हाँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं। देखा देखा, मैंने ठीक कहा था ना, ये आपको धोखा दे रहा है। ये अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, ये आपके फेस पे जा रहा है, आपको बेवकूफ समझ रहा है। सबसे पहला आपका यही टारगेट होना चाहिए, पकड़ ले इसको। ये तो खुद मुन्ना किंग के साथी है। पहले थी मैं मुन्ना किंग की साथी, लेकिन अब मुझे उससे जेलसी होती है। हर बार वही हीरो बनता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मुझे बुराई से अपना मकाम बनाना है। क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तुम जैसे बागी बच्चों की जरूरत है। अगर तुम वाकई बदल गई हो तो अपने दोस्त शेरी को धोखे से पकड़वाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी शेरी को धोखे के हवाले कर देती हूँ। रोमा, ये कौन है जगूटा जिन, और इसने गोलू को क्यों कैद किया हुआ है? ये बहुत अच्छा जिन है, ये हमारी मदद करने आया है, हमें मुन्ना किंग के पास लेकर जाएगा। और ये गोलू, ये तो है ही गंदा बच्चा, इसलिए इसको पकड़ लिया है। जाओ जाओ, करीब जाके इनका शुक्रिया अदा करो। ये क्या किया तुमने रोमा, इसने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि तुम्हें भी मुन्ना किंग की तरह अच्छाई फैलाने का बहुत शौक है, और अब मैं सिर्फ बुराई को आम करूंगी। शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मेरी बॉस तो आज बहुत खुश हो जाएगी। मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, तुम और बच्चे जमा करो। धोखा भाई साहब, आप मुझे अपने साथ ले चले ना, मैं उस अजीम विच के हाथ चूमना चाहती हूँ जिसने बुराई का इतना अच्छा मिशन लॉन्च किया है।